बिल्कुल, सबसे पहले आपको आज की बड़ी खबर बताते हैं। आज ईरान जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तेहरान में रईसी की शोक सभा में शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी राष्ट्रपति रईसी का निधन हुआ था, रविवार को हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान जाएंगे। कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अपने राष्ट्रपति को देखने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए वहाँ पर सड़कों पर भारी भीड़, लोगों की उमड़ी और सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई थी। हर कोई उनको एक बार उनको देखना चाहता था। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, सबकी आंखें नम थी, आंखों में आंसू थे। वो तस्वीरें कल हर किसी ने देखी और ऐसे में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान जाएंगे और देखिए आज संस्कार में शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आपको बता रही है। राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही। दरअसल ईरान में रविवार की शाम को पहाड़ी क्षेत्र में मौसम खराब होने की वजह से राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उनकी निधन हो गया था। और उसके बाद रईसी के सम्मान में मंगलवार को पूरे भारत में एक दिवसीय राजकीय शोक भी रखा गया था। और अब आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जाएंगे ईरान। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे, काशी के दौरे पर पीएम मोदी, संकट मोचन मंदिर में की पूजा अर्चना, पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना इस दौरान की गई, सीएम योगी भी रहे मौजूद। तो वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पीएम मोदी मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद रहे और इस दौरान संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। काशी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 14 मई को यहां से नामांकन दाखिल किया था, 13 मई को दिव्य और भव्य रोड शो यहां से निकाला था। वो तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी और कैसे गंगा पूजा के साथ माँ गंगा की पूजा अर्चना की गई, काशी के कोतवाल की पूजा अर्चना की गई, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की गई थी और नामांकन दाखिल किया गया था। तमाम दिग्गज थे वो इस पल का साक्षी बने थे। और अब कल फिर पीएम मोदी पहुंचे काशी, इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए ये तस्वीरें, और सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी, और ऐसे में काशी की जनता से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए एक बार फिर पहुंचे पीएम मोदी काशी, और इस दौरान आप देख सकते हैं सीएम योगी भी मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूपी के वाराणसी में इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी, पीएम नरेंद्र मोदी का ये बड़ा स्टेटमेंट कल वाराणसी में मंगलवार को नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ भी जुटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ अभिवादन स्वीकार करते नजर आए, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। मोदी ने इस दौरान कहा कि पहली बार केंद्र में महिलाओं को इज्जत देने वाली सरकार आई है, उन्हें शौचालयों के रूप में इज्जत घर बनाकर दिया गया और तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहाँ करते नजर आए। इसी बीच देखिए पूजा अर्चना भी पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। और काशी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन की अर्चना की और तस्वीर देखी, विधि विधान के साथ वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। और वाराणसी में कल पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद और वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव में विधि विधान के साथ दर्शन पूजन किए, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करते, आरती करते सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए तस्वीरें फिलहाल वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी जानकारी अभी आपको दे रहे थे। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये वाराणसी का दौरा, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए उनको देखा गया, कल कई सारी जनसभाओं को जहां संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ देखी गई, वहीं वाराणसी के दौरे के वक्त वो पूजा अर्चना करते हुए भगवान से आशीर्वाद लेते हुए भी देखे गए। काल भैरव मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पूजा उनके द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ कल यानी कि मंगलवार को बलरामपुर बस्ती और संत कबीर नगर में भी नजर आए, जहां पर जनसभाओं को संबोधित उनके द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि शिव की नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ रहे, अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई, वाराणसी में वो मौजूद रहे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, खासा मान्यता बाबा भोले के आशीर्वाद लेते हुए तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और जब भी चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जब जब वो काशी जाते हैं तब तब भगवान भोले के दर्शन करके
जरूर आते हैं। अभी इससे पहले हम आपको काल भैरव में पूजा अर्चना करने की, मंदिर में आरती करने की तस्वीरें दिखा रहे थे। वही ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ की, और काशी विश्वनाथ में उनके द्वारा अभिषेक किया गया, पूजा अर्चना की गई, और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूजा अर्चना की गई, और किस तरीके से देखिए भगवान भोले का जल अभिषेक उन्होंने किया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना उन्होंने की। तो वाराणसी में पीएम मोदी ने क्योंकि जनसभा भी की है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले ये तस्वीर जरा आप देखिए, जब शिव की नगरी में भक्ति में लीन सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो वहीं देखिए आगे बढ़े और किस तरीके से बात अगर पीएम नरेंद्र मोदी की करें तो वाराणसी में क्योंकि उन्होंने जनसभा की है और ऐसे में मातृशक्ति सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा कि हमारी सरकार का मिशन है नारी शक्ति का सम्मान। वाराणसी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनकी तरफ से ये कहा गया कि देश में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णय तक माताएं, बहनें और महिलाएं केंद्र में आई हैं। आप बताएं, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चलता है? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं को सिर्फ उपेक्षा और असुरक्षा दी है। तो लगातार निशाना विपक्ष पर साधते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक बार फिर से उन्होंने महिलाओं का जिक्र किया और ये कहा कि हमारी सरकार में जो नीतियां बनी हैं, जो पॉलिसी बनी है, उसमें महिलाओं को केंद्र में रखा गया। सुनिए प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया। माताओं बहनों, बीते 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई हैं। जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को, यहां पर उन्होंने अराजक तत्वों को भी इस दौरान चेतावनी दी। सपा वाले कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, अब सपा के लड़के गलती करके दिखाएं, ये उनकी तरफ से कहा गया। योगी सरकार वो हाल करेगी जो सोचा नहीं होगा। दरअसल ये तमाम बड़ी बातें कही गई पीएम मोदी की तरफ से जब वो वाराणसी पहुंचे। कहा कि इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं, जहां पर इनकी सरकार आती है वहां पर महिलाओं का जीना दूभर हो जाता है। वाराणसी के लोग उत्तर प्रदेश बिहार के दोनों के जंगल राज से परिचित हैं। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर बैठना पड़ता था, और सपा वाले बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के गलती कर कर देखें, योगी आदित्यनाथ सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यहां पर जमकर निशाना साधते हुए विपक्ष पर पीएम मोदी नजर आ। जरा सुनिए क्या कुछ और कहा गया पीएम मोदी की तरफ से। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है, बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था, और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बढ़ते खबरों में आगे, और पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पहली बार जब मैंने काशी का नामांकन अपनी मां के बिना किया,
माँ गंगा ही मेरी माँ है और माँ गंगा ने मुझे पहले काशी बुलाया था, अब माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। वाराणसी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब मैंने काशी का नामांकन अपनी माँ के बिना किया। साथ ही साथ कार्यक्रम में भाजपा समर्थक और महिला लाभार्थी भी जुटी, उनमें संवाद के बहाने मोदी ने वाराणसी के सांसद के रूप में अपना और प्रधानमंत्री के नाते अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है, सुनिए। माँ गंगा ही अब हमार माई है, काशी बुलाया था, अब माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। तो देखिए, वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अभी संबोधित करते हुए आप सुन रहे थे, वहां सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद रहे। सपा के गलती करने वाले लड़के अब गलती करके दिखाएं, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। और अभी हम बता भी रहे थे आपको कि योगी सरकार में ऐसे लोगों का वो हाल होगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, इस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए अपने वाराणसी के दौरे के दौरान। आपको याद होगा क्योंकि मुलायम सिंह यादव की तरफ से एक बार ये कहा गया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, और ये उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा विवादित रहा और इसको लेकर किस तरीके से उस वक्त भी तमाम दलों की तरफ से उन पर निशाना साधा गया। अब उसी बयान का एक बार जिक्र फिर से सीएम योगी करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की उत्तर प्रदेश की जो छवि है देखिए पूरी तरीके से बदल गई है। अब अगर कोई गलती करके दिखाएगा तो उसका अंजाम क्या होगा ये हर कोई जानता है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर चलता है, कार्रवाई वहाँ पर की जाती है। और इतना ही नहीं, सीएम योगी आपको याद होगा दूसरी बार एक बार फिर से सीएम पद की ओर शपथ ले रहे थे, उस वक्त उनकी तरफ से कहा गया था कि जो गुंडे हैं, जो अराजक तत्व हैं, या तो वो सुधर जाएं या फिर वो प्रदेश छोड़ दें। और प्रीति माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, काफी ज्यादा आक्रामक वो इसको लेकर रहते हैं। उनकी जो नीति है वो क्लियर है, वो स्पष्ट है कि अगर इस तरीके से कोई राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब बात प्रयागराज की कर लेते हैं, क्योंकि प्रयागराज में पीएम ने जनसभा की। मोदी का मंत्र है विकास भी विरासत भी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि विकास भी करेंगे और साथ ही साथ जो विरासत है उसको भी संजो के रखेंगे। सपा कांग्रेस के शहजादों को परिवार के आगे कुछ भी नहीं दिखता है, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई जब प्रयागराज में जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। और ऐसे में पीएम ने कहा कि मोदी का एक ही मंत्र है कि हम विकास भी करेंगे, विरासत को भी साथ लेकर चलेंगे। अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है और अब निषाद राज के किस तरीके से श्रृंगारपुर का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राम मन गमन पथ का प्रमुख तीर्थ बनेगा। क्या सपा कांग्रेस वाले कभी भी ये काम करेंगे? सपा कांग्रेस के शहजादों को अपने परिवार के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर सपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा गया और ये कहा गया कि इन दोनों ही पार्टियों को अपने परिवार के आगे कुछ भी नजर नहीं आता है। वहीं इंडी गठबंधन पर भी तंज कसते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आए। इंडी गठबंधन वालों को भारत की तारीफ हजम नहीं होती, कांग्रेस के शहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। ये इंडी गठबंधन वाले चुनाव भी किस एजेंडे पर लड़ रहे हैं? इनका एजेंडा है कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे, सीएए को रद्द करेंगे, भ्रष्टाचार पर जो कड़े कानून बने हैं उनको रद्द करेंगे। तो यहाँ पर जमकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी पर नजर है, क्योंकि आपको एक वीडियो याद होगा, राहुल गांधी का काफी पुराना वो वीडियो था, उसमें राहुल गांधी कहीं बाहर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को लेकर कुछ बातें कही थी, उस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी यहाँ पर नजर है। जरा सुनिए एक बार पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा। गठबंधन वालों को भारत का गौरव गान हजम नहीं होता, कांग्रेस के शहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। ये इंडी गठबंधन वाले चुनाव भी किस एजेंडा पर लड़ रहे हैं? इनका एजेंडा है कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे, इनका एजेंडा है सीएए को रद्द करेंगे।
और प्रयागराज में विशाल जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बोले सपा कांग्रेस का सनातन से 36 का आंकड़ा, ये लोग हमारे धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं, सपा जाति देखकर नौकरी देती है। तो प्रयागराज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम बड़ी बातों का जिक्र सपा जाति देखकर नौकरी देती थी, ये बात पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो बिहार लगातार देखिए अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार भी पहुंचे थे, लेकिन जब प्रयागराज में पहुंचे तब यहां पर कांग्रेस और सपा पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। सपा जाति देखकर नौकरी देती थी ये कहते नजर आए। सपा कांग्रेस का सनातन से 36 का आंकड़ा, इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संबोधन के दौरान किया। और इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि बिहार के महाराजगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, उनकी रैली हुई। बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन वालों के लिए मायने नहीं रखता, पीएम ने कहा। डीएमके के लोगों ने बिहार को गाली दी, तेलंगाना के कांग्रेस नेता ने गालियां दी, तब ये शाही परिवार अपने होठों पर ताला लगाकर बैठ गया था। पीएम महाराजगंज में मौजूद रहे, बिहार की धरती पर उन्होंने दो दिन बिताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। पीएम ने कहा कि जब डीएमके के लोगों ने बिहार को गाली दी, जब तेलंगाना के कांग्रेस नेता ने गालियां दी, तब भी ये शाही परिवार अपने होठों पर ताला लगाकर बैठ गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा गया। हर मंच से प्रधानमंत्री विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं, जहां जहां पर उनकी रैलियां हो रही हैं। एक तरफ वो विपक्ष से पूछते हैं कि बताइए, खासतौर पर कांग्रेस से, कि जब आपकी सरकार थी केंद्र में तो आपने क्या किया, क्या आपने कभी महिलाओं के बारे में सोचा, आपने युवाओं के बारे में सोचा? नहीं, आपने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा और आप अभी भी यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं, बिहार के महाराजगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा, मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। तो महाराजगंज में ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई और पीएम ने कहा कि मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा और पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं आपके बारे में सोचता हूं, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में मैं सोचता हूं, किस तरीके से उनका भविष्य संवरे ये मैं सोचता हूं। ऐसे में विकसित भारत, विकसित बिहार मुझे आप सबके लिए बनाना है। और अभी तो जो 10 साल थे उसमें तमाम काम किए हैं, लेकिन अगली बार फिर से, क्योंकि जब हमारी सरकार बनने जा रही है तो आप जो विश्वास हम पर जता रहे हैं उस पर खरा उतरना है, तमाम ऐसे काम करने हैं जो आपके हित में हो। आगे का क्या रोड मैप रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया। तो पूर्वी चंपारण में कल पीएम मोदी थे, तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। कहा कि पहले चरण में इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया था, इसके बाद के चरण में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ है, पांचवें चरण में इंडी गठबंधन पूरे तरीके से परास्त हो चुका है। तो बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी कल मौजूद थे और इस दौरान जनसभा को जब संबोधित कर रहे थे, ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। कहा कि कल ही उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में पांचवें चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, पहले चरण में इंडी गठबंधन पूरे तरीके से पस्त हो गया था, दूसरे में ध्वस्त, और अब जो पांचवा चरण हुआ है उसमें पूरे तरीके से इंडी गठबंधन परास्त हो चुका है और उनकी जो घबराहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ये तमाम बड़ी बात है पीएम मोदी की तरफ से कही गई, जरा आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पीएम मोदी। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था, इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो पांचवा चरण हुआ इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है।
इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषी साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 2400 घंटे खटकता है। विपक्ष पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साधा गया और यह कहा गया कि इन लोगों की आंख में मोदी 24 घंटे खटकता है।